पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी, आज 12 दिनों का ऑक्सीजन नहीं हो सकता। तो हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भैया हम माफी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। जितनी आपदा प्रबंधन समिति, जसवाल जी आपदा प्रबंधन समिति में आप भी बैठे थे, जिला कलेक्टर भी, जब लॉकडाउन में 50-50 बिस्तर का आश्वासन दिया था आयुष मंत्री ने। सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं जा रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाते, ये चल रहा है सर। मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, कलेक्टर कटंगी जाते हैं। जब वारासुनी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? अभी नहीं खुल, अरे कटंगी वाले तो वारासुनी आ रहे हैं, आप कटंगी जाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हो। पहले वारासुनी का हॉस्पिटल चालू करते उसके बाद कटंगी का प्रयास कर रहा है। इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ। भैया आखिरी सवाल, क्या शासन को या प्रशासन? प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार। जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे। हम तो हमको कुछ नहीं मालूम किसी को, कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, ना इलाज।